ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भानु अब बस हो गया, और नहीं होता मुझसे। कौन उठेगा 5 बजे? नींद भी पूरी नहीं होती, पूरा दिन खराब हो जाता है। ये तब तक हमें करना होगा जब तक हमें बच्चा नहीं होता। पूजा हो गई। हो गई? ये ले, गरम गरम चाय पी ले। मैंने अच्छी तरह से अदरक डाल के बनाई है, ले पी। पूरी पी लेना। हाँ, रीति चलो जल्दी, कहाँ रह गई? बस आई 2 मिनट। चल, रोज का नाटक है तुम्हारा। अब आ गई ना, चल। तुम्हारी वजह से दुकान खोलने में देरी होती है मुझे रोज। वाह भैया, नई नई बाइक, वाह, बहुत खुश दिख रहे हो। देखा, चकाचक बाइक, इस्त्री की हुई शर्ट, देखकर ही पता चलता है कोई कामयाब आदमी जा रहा है, हमारी तरह नहीं है। ये मुझे भीख में नहीं मिला, खून पसीने की कमाई है, मेहनत से कमाया है मैंने। इस घर में तुम अकेले ही हो ना जो मेहनत करता है, बाकी सब तो मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। सबान संभाल के बात कर, नहीं तो क्या क्या चल रहा है? सुबह सुबह अपने छोटे भाई पे क्यों चिल्ला रहे हो? वो भी घर से बाहर, और कितनी बेइज्जती करवाना चाहते हो? जाओ। जाओ, दुकान खोलने के लिए देरी हो रही है। मैंने आपसे 1000 बार बोला कि मेरे बच्चे से दूर रहो, समझ नहीं आता क्या आपको? नहीं, मैंने देखा कि वो रो रहा था, इसलिए मैंने बस। हाँ, रो रहा था तो रोने देते, और मैं नहीं चाहती कि आपकी परछाई मेरे बच्चे पे पड़े। और आज के बाद मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। बस बस बस, 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 बस। सुबह जो मैंने चाय दी थी वो पी तूने? हाँ, झूठ मत बोल। उसमें जो मैंने अदरक डाली थी वो मुझे किचन के सिंक में दिखी, क्यों नहीं पी चाय तूने? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरी चाय में और भी कुछ मिलाती है। हाँ तो? तो मैं वो चाय नहीं पीना चाहती। उस दवाई से मुझे बुखार आता है, उस बुखार में सुबह जल्दी उठकर मुझे पाठ पूजा करनी पड़ती है। उससे समन लड़ाई की? एक बात कान खोलकर अच्छी तरह से सुन ले मेरी, अगर इस घर में तुझे रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी, समझे? किस मनुष्य घड़ी पे मेरे बेटे की नजर तुझ पे पड़ी और उसके सर पे तेरे साथ शादी करने का भूत सवार हुआ? मनुष्य कहीं की मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये टॉर्चर मैं अब और नहीं झेल सकती भानु, नहीं झेल सकती। देखो, समझने की कोशिश करो, ये ऐसे सिचुएशन में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं भानु, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है कि। चलो ये रोना बंद करो और मुझे बताओ तुम्हारा बुखार कैसा है? बुखार ठीक है। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, तुम कल वहाँ जा रहे हो ना? देखता हूँ अगर कुछ काम। नहीं, देखता हूँ वगैरह कुछ नहीं, तुम्हें वहाँ जाना ही होगा, तुम्हें मेरी कसम। तुम अगर वहाँ नहीं गए तो हमें हमारे टॉर्चर का सलूशन नहीं मिलेगा। मुंबई के गोरेगांव में रहने वाले कुलकर्णी परिवार में, जिसमें बेटों की, बहुओं की, सास बहुओं की
पिता और बेटों की आपस में किसी की नहीं बनती थी, चारों तरफ मनमुटाव था। क्या ये सिर्फ मनमुटाव था या उससे बढ़कर कुछ और था? क्या समस्या थी भानु और राशि की और उसने इसका क्या हल ढूंढ निकाला था? क्या उसके खून का मकसद इसी हल के इर्द गिर्द था या फिर वजह कुछ और ही थी? सर, सर ये देखिए, यहां पर स्किड मार्क्स हैं। सर इससे तो ऐसा ही लगता है कि ये एक्सीडेंट का केस है। आइए सर। और सर, डेड बॉडी के पास से उसका आधार कार्ड, ये कुछ सामान और ये पर्स मिला है। और सर पर्स में पैसे भी हैं, ये देखिए। मतलब ये मामला लूटपाट का नहीं है पाटिल। और सर ये देखिए, और पता मालाड पश्चिम का है। बॉडी सबसे पहले किसने देखी? साहब मैंने आदमी को रोड के इधर ऐसा पड़ा देखा तो आपको कॉल किया। एक्सीडेंट होते हुए देखा था? नहीं साहब। लोखंडे सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और परिवार वालों को शिनाख्त के लिए बुलाओ। ठीक है सर। लाइटर, 11,000 रुपए खर्च किए, ऐसे कैसे नहीं जाएगी? आई मैंने कोशिश की, वो टाइट हो रही है, नहीं जा रही हूँ। क्या कर रही है? छोड़। क्या ये कंकड़ पत्थर? इस अंगूठी में इतना पैसा डालने की क्या जरूरत है? हाँ, काय बोलता है तुम्हें? आप जानते हैं ना, ये बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए मुझे सारे उपाय करने पड़ते हैं, पता है ना आपको? तुम भी तो ये। हेलो, क्या? देखिए मैं आप लोगों की हालत समझता हूँ, लेकिन इस केस से जुड़े कुछ सवाल है जो मुझे आपसे पूछने होंगे। भानु कब और कहाँ के लिए निकले थे? भानु रोज सुबह की तरफ काम पर चले गए थे। कहाँ काम करते थे वो? कांदिवली में, बीएमसी में क्लर्क थे वो। कांदिवली? अगर वो कांदिवली में काम करते थे तो फिर नवी मुंबई के हाईवे पे कैसे पहुंचे? किसी खास काम से जा रहे थे क्या? हाँ सर, वो उसके ऑफिस का दोस्त थे संतोष, उसके घर पे आज पूजा थी, लेकिन वो तो ऑफिस छूटने के बाद जाने वाला था पूजा में। बस बाइक थी, आपने भी ली थी, आज भी वो बाइक से ही गए थे। बाइक का नंबर क्या है? सर एक बात समझ में नहीं आई, भानु की बॉडी के पास से हमें उसका फोन और पर्स तो मिला, लेकिन उसकी बाइक नहीं मिली। सर अगर ये मामला वाकई में लूटपाट का होता तो हमें उसका फोन और पर्स भी नहीं मिलना चाहिए। लोखंडे, अभी ये डेफिनेटली कहा नहीं जा सकता कि एक एक्सीडेंट था या फिर प्लान्ड मर्डर। हो सकता है कि भानु के मरने के बाद खुद को बचाने की जल्दबाजी में उसने भानु का पर्स और मोबाइल वहीं छोड़ दिया हो। एक काम करो सर, भानु की बाइक का नंबर सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। ठीक है सर। और सर, भानु नवी मुंबई में था, लेकिन इस बारे में उसकी वाइफ को बिल्कुल भी जानकारी नहीं कि वो उस वक्त नवी मुंबई में कर क्या रहा है। हो सकता है बीवी से छुप के कुछ काम कर रहा होगा या कोई लफड़ा वगैरह होगा। फिलहाल उसकी बाइक का तो पता करो। ठीक है सर। आई संभालो अपने आप को, लो थोड़ा पानी पी लो। मगरमच्छ कैसे किसे दिखा रही है रे? सब कुछ तो तेरी वजह से हुआ है। जब से हमारे घर में आई, हमारा बुरा वक्त शुरू हुआ। भानु पति थे मेरे, मैं प्यार करती थी उनसे, उनका बुरा कभी नहीं सोच सकती, और आज उनकी मौत में आप मुझे ही बातें सुना रही है। चुड़ैल, तुम मेरे बेटे को फंसाया, उसे बेवकूफ बना के उसके साथ शादी किया, हमारे घर को बर्बाद किया, और अब मुझे आंखें दिखाएंगे तो क्या करते? हरीश, माँ को लेके जा अंदर। आई, चल चल अंदर, चल माँ, चलो। आई, चल। सुनो, मैंने सारे पेपर्स तैयार करवा लिए, कल सुबह हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। अब देखना, हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, जो सोचा था सब कुछ। हरीश आया? क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे हो? मैंने कहा ना कि मैं नहीं आ सकती, पॉसिबल नहीं है। हाँ अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाद में।
बोला है ना आपको ये काम हो जाएगा, आपने जबान दी है। ए कितना टाइम हो जाएगा? अरे हो जाएगा ना साहब, 15-20 मिनट हो जाएगा। वो फुटरेस्ट और फ्रेम मुड़ गया है ना साहब। क्या ऐसी कुछ बात हुई? कब निकलने वाली वो? उसने तो यही कहा था कि वो निकल चुकी है। निकल चुकी है? तो अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था ना उसे। ये आजकल के बच्चे भी ना, अरे उसका फोन भी ऑफ है, तो कैसे पता चलेगा कब निकली है वहां से, कब पहुंचेगी यहाँ पे। सर, भानु के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 10 अगस्त की सुबह 10 से 11 बजे के बीच में हुई है। और सर, इससे खास बात पता चली है, भानु के सर पे किसी भारी पत्थर या रॉड से एक बार नहीं बल्कि कई बार मारा गया था। इसका मतलब साफ है लोखंड, ये कोई चोरी लूटपाट का मामला नहीं है, भानु को टारगेट करके मारा गया है। और सर, ये रही भानु की पिछले एक महीने की कॉल डिटेल्स और कॉल लोकेशन। सर, इसके मुताबिक भानु घर से ऑफिस नहीं बल्कि सीधा नवी मुंबई हाईवे पे गया था। और सर, इसके मुताबिक वो पिछले एक महीने में कभी भी उस हाईवे पे नहीं गया। उसके कॉल रिकॉर्ड में कुछ सिग्निफिकेंट मिला? नहीं सर, पिछले एक महीने में उसकी ज़्यादातर बातचीत फैमिली या दोस्तों ने ही किए थे और उसमें ऐसा कुछ खास नहीं मिला जिस पर शक किया जा सके। लेकिन अपना डेली रूटीन तोड़ के इस तरह से नवी मुंबई जाना, वहाँ उसका खून होना और उसकी बाइक गायब हो जाना, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। अगर उसको किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है, बाइक भी डैमेज हुई होगी, और जो आदमी बाइक लेके भागा है वो उसे रिपेयर करवाने की कोशिश जरूर करेगा। एक काम करो सर, आसपास के जितने भी गैरेजेस हैं पता करो वहाँ भानु की बाइक रिपेयर होने के लिए आई है क्या। ओके सर। और एक और चीज़ हमें पता करनी होगी, उसके दोस्त संतोष के घर वाकई में पूजा थी भी या नहीं। लेकिन मेरे घर में कोई पूजा तो थी नहीं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि भानु ने अपने ही घर वालों के साथ झूठ क्यों बोला। पिछले कुछ दिनों में आपने भानु के बिहेवियर में कुछ अलग देखा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, नॉर्मल था। हाँ, लेकिन 10 तारीख को उसने छुट्टी ली थी। छुट्टी लेने का रीजन क्या था? भानु और राशि को बच्चा नहीं था, आई थिंक राशि को कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए अक्सर वो डॉक्टर के पास ले जाता था ट्रीटमेंट के लिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि उसने छुट्टी ली है। हरीश, छाया का फोन बंद है, मुझे चिंता हो रही कहीं उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं। हाँ, चलते हैं। पहले ये तो देख लीजिए। ये क्या? पेपर से इन पे साइन कीजिए, फिर चलते। ये शर्म, बड़े भाई की मौत हुई है, बहन दो दिन से लापता है, तो तुझे प्रॉपर्टी की पड़ी है? हम गलत समझ रहे? मैं अकेले जा सकता हूँ पुलिस स्टेशन? पेपर्स लिखे आ रहे मेरे सामने। सर, ये मेरी बेटी छाया है, पूना में रहती है। कल रात को वो पुणे से यहाँ आने के लिए निकली लेकिन अब तक पहुँची नहीं। और सर, उसका फ़ोन भी ऑफ लग रहा है। पुणे में कब से है आपकी बेटी? 4 महीने हो गए सर, ग्रेजुएशन करने के लिए गई है। कौन से ईयर में है? सेकेंड ईयर में सर। सेकेंड ईयर में है और 4 महीने से पुणे है, कोर्स के बीच में से गई क्या? ऐसा क्यों? वो सर ये है कि वो जो कोर्स कर रही वो पुणे में अच्छी तरह सिखाया जाता है, इसलिए पुणे में भेजा है उसे। जहाँ वो पीजी में रहती है वहाँ का नंबर तो होगा ना? जी। वहाँ का नंबर दे दीजिए, हम पुणे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, आपकी बेटी को वो ढूंढेंगे। और हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। हमें पता चला है कि आपको क्लिनिक लेकर के जाने के लिए भानु अक्सर ऑफिस से छुट्टी लेता था। सर, वो मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, भानु मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाता था। 10 तारीख को भी भानु ने अपने दोस्त से यही कहा था कि वो आपको क्लिनिक ले जाने वाला है, तो क्या आप लोग डॉक्टर के पास गए थे? नहीं सर, 10 तारीख को तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। एक तरफ अपनी दिनचर्या के विपरीत भानु मुंबई पुणे हाईवे पर गया था, पुणे में उसकी बहन छाया रहती थी। पुलिस ने इस बात का अंदाजा लगाया कि शायद वो अपनी बहन के पास गया होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन छाया खुद उसी रास्ते पर मुंबई आते हुए गायब हो गई थी। क्या ये सब कुछ किसी साजिश के तहत हुआ था? क्या भानु का कत्ल और छाया की गुमशुदगी एक ही साजिश का हिस्सा थे? क्या वाकई में इनके तार आपस में जुड़े हुए थे? एक तरफ जहां पुलिस पुणे में तहकीकात कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ वाशी में पुलिस सभी बाइक रिपेयर्स की शॉप में भानु की बाइक तलाश रही थी, इस उम्मीद में कि शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। ये जो 1989 नंबर का बाइक है, ये लेके जो आदमी आया था उसका हुलिया याद है? सब चीखते देखा ना साहब मैंने। कुछ भी याद है उसके बारे में?
हाँ साहब, मैं जब बाइक ठीक कर रहा था ना, तो आदमी फोन पे बात कर रहा था। मुझे आधा घंटा लगा बाइक रिपेयर करने के लिए, तो आधा घंटा वो आदमी फोन पे ही बात कर रहा था। कितने बजे की बात है? पुलिस आई है। क्या करें? जी, ये मुंबई से सब इंस्पेक्टर लोखंडे है। इस केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं सर। जी कहिए। आपके यहां एक छाया नाम की लड़की आई थी पीजी में, कहां है वो? वो तो 15-20 दिन ही आ रही, और 4 महीने पहले यहां से गई, चली गई। चली गई? लेकिन उसके घर वालों को तो ये बात पता ही नहीं है कि वो यहाँ से चली गई। अभी कहाँ रहती है वो? पता नहीं। अच्छा, इतना तो पता होगा ना कि किस कॉलेज में पढ़ती है वो? जी नहीं। ठीक है। लोखंडे, छाया की पूरी डिटेल्स निकालो, उसके कॉलेज में पता करो, उसके कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन भी निकालो, और साइबर सेल से कॉन्टेक्ट करो। पता करो कि 2 बजे गैरेज के आसपास ऐसे कितने नंबर एक्टिव थे जिनका कॉल ड्यूरेशन आधा घंटा या उसके आसपास का है। लेकिन सर, वो एरिया तो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला है सर, ऐसे तो उस नंबर तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। लोखंडे, इस वक्त हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इन नंबर्स की लिस्ट निकलवाओ। गए वो लोग। पेपर से साइन किए हुए, एक्चुअली बाबा आज नहीं आ सके, उनकी तबीयत ठीक नहीं, हार्ट अटैक आया ना उन्हें, तो हॉस्पिटल में एडमिट किया है। ठीक है, मैं देख लूं। छाया तो 4 महीने से क्लास में आई नहीं। उसका भाई भानु आया था, कह रहा था कि उसे वापस मुंबई लेकर जा रहा है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा। ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है ट्विंकल। सर, मैं और छाया एक ही बेंच पे बैठते थे, पर हमारी ऐसी कोई दोस्ती नहीं थी। मुश्किल से 15-20 दिन ही क्लास अटेंड की थी उसने। छाया ने कभी तुमसे कोई बात शेयर नहीं की अपनी फैमिली के बारे में या किसी खास के बारे में? फैमिली के बारे में तो नहीं, पर हाँ, मनीष के बारे में बता दो। मनीष प्लस छाया? ओह, कौन है? बॉयफ्रेंड है? मुंबई से या पुणे से? मुंबई। मुंबई? तुम भी मुंबई से और वो भी मुंबई से, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो इतने तुम क्यों टेंशन में रहती हो? बिकॉज मेरे घर वाले उसे पसंद नहीं करते। सर, ये रहे छाया के कॉल रिकॉर्ड्स और उसके फोन लोकेशन। सर, इसके कॉल रिकॉर्ड्स में कहीं भी मनीष के नंबर नहीं है, सिर्फ फैमिली मेंबर्स के नंबर है। उसकी लास्ट लोकेशन क्या थी? सर, उसकी लास्ट लोकेशन मुंबई पुणे हाईवे पे उरन के पास की है। मतलब वो मुंबई आने के लिए निकली थी। अगर छाया ने 4 महीने पहले पीजी छोड़ दिया था, तो फिर वो पुणे में रह कहाँ रही? सर, मैंने छाया की पिछले 4 महीने की लोकेशन टेली की है। सर, उसकी ज़्यादातर फोन लोकेशन रेवेन्यू कॉलोनी के आसपास की है, तो हो सकता है कि वो केलकर के घर के आसपास कहीं रह रही है। लोखंडे, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जिस दिन भानु का मर्डर हुआ उसी शाम को छाया गायब हुई, उसका फ़ोन ऑफ हुआ, और भानु ने कॉलेज में उसकी बीमारी की बात की, उसको मुंबई वापस लाने की बात की, जबकि वो जानता था कि 4 महीने से छाया पुणे में थी। ये बात उसने अपने परिवार से क्यों छुपाई? क्यों छुपाया ये तो नहीं पता सर। हाँ, शायद ये जरूर जानती होगी। नहीं, मैं नहीं जानती, उन्होंने कभी मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। ए, खोटो बोलू ना कसा, सब जानती है तू, पता है मुझे, मुझे पता है वो हर छोटी से छोटी बात तुझे बताता था ना, इसलिए जो भी पकना है ना अभी पक दे। अगर तेरी वजह से मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, तो उसके लिए तू जिम्मेदार है कि मैं। दिमाग पर जोर डालिए आप लोग, याद करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है भानु ने कुछ बताया हो छाया के बारे में आपको, कि वो कॉलेज क्यों नहीं जाती थी, क्या वो वाकई बीमार थी? नहीं साहब, सच में मैं तो कुछ नहीं जानती, कभी बात ही नहीं की। ठीक है। आई, मैं दुकान जा रहा हूँ, लेट हो रहा है।
आई, मैं भी ऑफिस के लिए निकलती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा तुम बस से जाओगे या मैं तुम्हें छोड़ने चलूँ? नहीं नहीं मैं बस से चल जाऊंगी, मुझे बहुत देर हो रही है। ठीक है ठीक। अच्छा मुझे स्कूटर से ही छोड़ दो ना। एक मिनट, पहले तो देर ही नहीं हो रही थी, अभी क्या हुआ अचानक? मैंने सोचा कि मैं बस स्टॉप जाऊंगी, बस का इंतजार करूंगी और देर हो जाएगी, इससे बेटर है कि तुम मुझे स्कूटर पे ही छोड़ दो। सर जो इंसान प्रॉपर्टी के लिए अपने पिता को झूठा हार्ट अटैक दे सकता है, क्या ये मुमकिन नहीं कि वो अपना काम निकलवाने के लिए अपने भाई को ही रास्ते से हटा दे? अरे ये सब क्या है, क्या ये सब? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? मुझे पैसों की जरूरत थी और इसके अलावा आपने कोई चारा नहीं छोड़ा था मेरे लिए। ये क्राइम है, क्राइम, इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है, समझे? पहले कभी आपने ध्यान नहीं दिया मुझ पर और अब जेल जाने की धमकी दे रहे हैं मुझे। ये जिंदगी तुमने चुनी है खुद अपने लिए। बिना मेहनत किए कोई फल नहीं मिलता, तुमने बिना मेहनत किए फल पाना चाहा, अपने भाई की जाली साइन मारकर प्रॉपर्टी बेचना चाहा, वो वकील को बोल दिया कि मुझे हार्ट अटैक आया। प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े होते वो भी इस हद तक कि हरीश बानू की जान ले सकता था। दादा तुमने पापा को प्रॉपर्टी बेचने के लिए मना क्यों किया? क्योंकि अभी बेचेंगे तो घाटे में जाएंगे। वो प्रॉपर्टी तुम्हारे अकेले की नहीं है, उसमें से आधा हिस्सा मेरा भी है और अपने हिस्से का मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा, जब चाहूंगा तब बेचूंगा उसे। वो प्रॉपर्टी बाबा के नाम से है और बाबा अभी तक जिंदा है। हाँ तुम्हारा पेट भर गया ना, अभी सरकारी नौकरी मिली है, तुम्हारी लाइफ सेट है, इसलिए ज्ञान दे रहे हो मुझे। मेरी तरह बाबा के साथ राशन की दुकान में छक मारनी पड़ेगी ना, तब पता चलेगा तुम्हें। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हें ही सॉल्व करना होगा। और खबरदार मुझसे आइंदा से ऐसी बात की तो चलो निकलो। मैं ऐसी बात करूंगा, क्या करोगे? प्रॉपर्टी के लिए तूने अपने भाई को मार डाला और उसका 40 साइन किया है ना? मैंने साइन किया सर, लेकिन मैंने मारा नहीं उन्हें। तेरे और भानू के प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े होते थे, मारपीट भी हुई थी। मारपीट हुई थी सर, लेकिन उन्होंने ही शुरू की थी। बानू का तेरे अलावा किसी और के साथ झगड़ा नहीं हुआ था, समझा? मनीष के साथ हुआ था सर। वही मनीष जिसका छाया के साथ अफेयर था? मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे यार। अरे मान जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। पूना जा रही हूँ मैं। तू फिर से इसके साथ घूम रही है? दर्द हो रहा है। देखिए उसको चोट लग रही है। दादा प्लीज छोड़ो, उसका हाथ छोड़ दीजिए। तू मुझे सिखाएगा मैं अपने बहन के साथ कैसे बिहेव करूं? दादा, हाँ? दादा तू सिखाएगा मुझे? देखिए अपनी लिमिट क्रॉस मत करिए, वरना मेरा हाथ भी उठ सकता है। आइंदा से छाया के आसपास भी दिखाई दिया ना तो मैं तुझे सिखाऊंगा कि हाथ उठाना किसे कहते हैं, समझ गया? निकल, तू चल गया। मनीष की वजह से दादा ने छाया को पुनः भेजा था। रहता कहाँ है मनीष? तुमने बताया ना, तुमने बताया ना हरीश के बारे में पुलिस को? तो मेरे बेटे को खा गए, हरीश को पुलिस के हवाले कर दिया। बहुत कौन खून कर, अच्छे तरह से सुन ले तू। अगर मेरे बेटे को पुलिस ने नहीं छोड़ा ना तो तेरा ताना पाने इस घर से बंद। एक दिन भी तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी, समझी? सर, सर मैं मनीष के घर गया था, वहां पर वो तो नहीं मिला लेकिन उसकी माँ मिली थी। सर उसकी माँ का कहना है कि वो 4 महीने पहले ही नासिक शिफ्ट हो गया था और तब से उसका छाया से कोई लेना देना नहीं, और सर वो पिछले 4 महीने में कभी मुंबई आया भी नहीं। सर ये उसके नासिक का पूरा पता है सर, और सर उसके बारे में एक खास बात पता चली है, उसको सट्टेबाजी की बुरी आदत है सर। 4 महीने पहले मनीष ने मुंबई छोड़ दिया और 4 महीने पहले ही छाया ने कॉलेज और पीजी दोनों छोड़ दिया। कहीं 4 महीने से पहले की कहानी का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है? और सर इस केस में एक बात और कॉमन है सर, छाया के फोन की लास्ट लोकेशन 10 तारीख की शाम के 4 बजे मुंबई पुणे हाईवे की थी। लोखंडे 10 तारीख को सुबह 10 से 11 के बीच मुंबई से पुणे की तरफ जाते हुए भानु की मूवमेंट थी और उसी दिन शाम को 4 बजे पुणे से मुंबई की तरफ आते हुए छाया की मूवमेंट थी। दोनों केसेस का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है और मुझे लगता है कि ये कनेक्शन नासिक में है। नासिक जाने की तैयारी करो। तुम यहां क्या करने आई हो? कहां है वो? कौन बताइए मुझे, कहां है वो?
कहाँ है वो? यहाँ मैं और मेरे पति के सिवाय और कोई नहीं है। अरे क्या ढूंढ रही हो? मैंने कहा ना कोई नहीं है। अरे कहाँ जा रही हो तुम? देखो इस तरह किसी के घर में घुसते नहीं है। पीछे हटिए, मैं आज उसे ढूंढ कर रहूंगी। अरे रुक जा, बताइए मुझे कहाँ है वो? मैंने कहा ना 4 महीने पहले ही वो यहाँ से चली गई है। झूठ बोल रहे हैं, मैं जानती हूँ छाया यहीं पे है। साफ साफ बताइए वो कहाँ है, वरना वरना क्या करोगी? पुलिस में जाओगी? जाओ जा जा पुलिस में जा। अरे जा ना। सर मैं नहीं जानता छाया कहाँ है। भानु की वजह से मैं और छाया अलग हुई। वो अपने भाई के कहने पर मुझे छोड़कर पूना चली गई, तो मैंने भी उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। पिछले 4 महीने से ना तो मैंने उसकी शक्ल देखी है और ना उसकी आवाज़ सुनी है। पर सर मेरा यकीन मानिए, मैंने किसी का खून नहीं किया है और ना ही किसी को गायब किया है। ठीक है, फिलहाल तो हम जा रहे हैं, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए शहर से बाहर जाने की सोचना भी मत। हेलो कुंडे बोल। सर मैंने मनीष से पूछताछ की है। सर मुझे नहीं लगता कि इन दोनों केसेस में उसका कोई हाथ है। और सर मैंने उसके पड़ोसियों से पूछताछ की है, उनका भी यही कहना है कि कभी उन्होंने मनीष को किसी लड़के के साथ नहीं देखा। सर मनीष की कॉल रिकॉर्ड निकालो और ट्रायंगुलेशन भी पता करो, 10 तारीख को उसके मोबाइल की लोकेशन क्या थी। ठीक है सर। सर 10 तारीख को गैरेज के आसपास जितने भी नंबर एक्टिव थे हमने उनके ओनर की एक लिस्ट बनाई है और वो सभी नंबर हाईलाइट किए जो आधे घंटे के आसपास एक्टिव थे। सर उसमें एक नंबर रघु का भी है जो हिस्ट्री शीटर है। सर उसने जिस नंबर पे कॉल किया था वो नंबर उसके वाइफ का है। और सर एक बात पता चली है कि भानु के मर्डर के वक्त रघु की फ़ोन की लोकेशन भी क्राइम स्पॉट के आसपास की थी। उसके बाद उसका फ़ोन बंद हुआ, लेकिन 11 तारीख को उसका फ़ोन फिर से ऑन हुआ और उसने उसके वाइफ को फ़ोन किया। सर उसका एड्रेस मिल गया है, हम उसके वाइफ से पूछताछ करके रघु तक पहुँच सकते हैं। बीवी से पूछताछ करोगे तो अलर्ट हो जाएगा। काम करो, रघु का और उसकी बीवी का दोनों का मोबाइल सर्वेलेंस पे डालो। हो सकता है कि मनीष और छाया ने मिलकर रघु को भानु को मारने की सुपारी दी। हेलो ओके पटेल, हाईवे पेट्रोल को मुंबई पुणे हाईवे पे एक लाश मिली है, फौरन वहां पहुंचो और कुलकर्णी फैमिली को शिनाख्त के लिए बुलाओ। सर साइबर सेल से कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि जैसे ही छाया का फोन ऑन होता है हमें इन्फॉर्म करें। सर भानु के कत्ल के बाद छाया की गुमशुदगी भी अब कत्ल के केस में तब्दील हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये दोनों कत्ल किसी एक ही मकसद का नतीजा थे, या फिर सच्चाई कुछ और ही थी? राशि क्यों लगातार छाया के बारे में अनजान होने का झूठ बोल रही थी? क्या हरीश वाकई जायदाद के लिए भाई को मार सकता था, या फिर भानु और छाया का कत्ल मनीष की बदले की आग का नतीजा था? चलो बेटा जल्दी से खाना खा लो। हाँ जल्दी से खाना खा लो और जल्दी से सो जाओ। हाँ वरना सुबह तुम स्कूल जाते टाइम रोते हो ना। फोन का आवाज किधर से आ रहा है? सर छाया का ये फोन एक 10 साल के बच्चे के पास देवलाली में मिला है। सर इसको ये फोन तब मिला जब वो झाड़ियों में अपना क्रिकेट बॉल ढूंढ रहा था। और सर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने इसकी फिंगरप्रिंट्स ले ली है, जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। और सर ये रही छाया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इस रिपोर्ट के मुताबिक छाया ने भी कुछ दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया था। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? मेरी मरी हुई बेटी को बदनाम कर रहे हैं। अरे मेरी छाया की तो शादी भी नहीं हुई थी, फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? पूरे परिवार में से किसी को भी नहीं पता कि छाया प्रेग्नेंट थी। लोखंडे सर ये फोटो देखी है पहले आपने कभी? ये छाया का मोबाइल है और ये फोटो उसने अपने मोबाइल से आपको भेजी थी। अब भी आप ये कहेंगे कि आपको कुछ नहीं पता, सच क्या है? मुझ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बाकी लड़कियों की तरह मैं भी मां बन सकती थी।
मेरे पति भानु कमी उनमें थी, उन्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैंने ये ब्लेम खुद पर ले लिया। फिर कुछ महीनों बाद छाया ने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट थी। अगर अबॉर्शन होगा भी तो भी मैं नहीं करवाऊंगी, मैं अपने ही बच्चे को कैसे मार दूंगा इन्हें। और अगर मैंने इस बच्चे को रखा तो घर वाले मुझे मार देंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो तुम जैसा चाहोगी ना बिल्कुल वैसा ही होगा, तुम टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे छाया। मुझे बच्चा चाहिए था सर, और इसीलिए मुझे एक उपाय सोचा। ये कभी नहीं हो सकता और मैं होने नहीं दूंगा। मेरी बहन उस लपंगे मनीष के बच्चे को जन्म नहीं देगी। भानु, भानु, प्लीज, कोई सुन लेगा तो। सुनने दो। देखो एक बार मेरी बात ठंडे दिमाग से सुन लो। देखो हम छाया को पूना भेज देंगे, वहां मेरे पड़ोसी थी ना मिस्टर एंड मिसेस केलकर, उनके पास। छाया का बच्चा शहर के बाहर पैदा होगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और फिर हम उसे अडॉप्ट कर लेंगे। छाया का बच्चा उसकी आंखों के सामने रहेगा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। क्या फालतू जैसे सपने देखने लगे तुम, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। ठीक है तो मैं सबको सच्चाई बता देती हूँ। क्या बताओगी तुम? कि हमारा बच्चा क्यों नहीं हो सकता। इस रोज रोज के टॉर्चर से तो बच जाऊंगी मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस टॉर्चर से तंग आ चुकी थी और भानु ने भी आपका साथ नहीं दिया और इसी गुस्से में आके आपने भानु को मरवा दिया? नहीं 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 सर, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, ऐसा कुछ करना तो छोड़ो, मैं ऐसे सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबके पीछे केड़कर फैमिली का हाथ है। छाया उनके यहाँ पीजी के तौर पर रहती थी, मैं वहाँ हर रोज फोन करती थी। एक दिन उन्होंने बताया कि छाया वहाँ रहती नहीं, वहाँ से कहीं और चली गई है। सर उसे पीजी से निकालने का कोई प्लानिंग नहीं था, उसे कॉलेज से निकलवाना पड़ा था क्योंकि उसका पेट दिखने लगा था और उसे आराम की जरूरत थी। आपसे कुछ बात करनी थी। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। एक मिनट मिस्टर केलकर। आपको इस मिल्क पाउडर की क्या जरूरत पड़ गई? डॉक्टर ने बोला कि मेरी उम्र होने की वजह से नॉर्मल दूध मेरे लिए डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उसके जगह पे ये ले रहा हूँ मैं। आप लोग जानते थे कि छाया प्रेग्नेंट थी? नहीं साहब, हमें तो बिल्कुल पता नहीं था, और जब छाया यहाँ रहने आई तभी ऐसा लगा नहीं ना कि वो प्रेग्नेंट है। एक बार आपका घर देख लें। आपको क्या लगता है हम गुनहगार हैं? आप क्या समझते हैं कि हमने कुछ गुनाह किया? हमें लगता है कि आपने छाया का बच्चा छुपा के रखा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ममता 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 शांत हो जाओ, देखने दो। जाइए सर, आप देखिए। बाबा सर, यहाँ तो कुछ नहीं मिला। कोई ना कोई तो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, या तो राशि झूठ बोल रही है या फिर ये केलकर फैमिली। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है, हम आते हैं। सर रघु की वाइफ के फोन पर नाला सुपारा के एक पीसीएस कॉल आया है। हाँ साहब, यहीं से फोन किया। मेरी दुकान पे पान खाने अक्सर आता रहता है। कहाँ रहता है ये? पीछे वाली बस्ती में, खोली नंबर 10 में रहता। क्यों मारा रे? सर अपुन क्या करता साहब, ये अपुन का धंधा है, और साहब धंधा तो करना पड़ेगा ना। अपुन की इससे कोई पर्सनली दुश्मनी तो थी नहीं साहब, अपुन को पैसा मिला तो मैंने उसे मारा। किसने दिया पैसा? वो सब अंगद ने साहब।
सर, मैं और प्रीति एक ही ऑफिस में काम करते थे। हमारा अफेयर चल रहा था। सर, भानु भैया को मेरे और अंगद के बारे में सब कुछ पता चल गया था। उसके बाद से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ये अफेयर वाली बात घर में किसी को ना पता चले, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। हरीश के दिमाग से ये प्रॉपर्टी बेचने वाला ख्याल निकाल देना, समझी? नहीं तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे घर में ये बात सबको बताने के लिए। सर, फिर उसके बाद मैंने अंगद को बताया कि भानु भैया को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। सो आज के बाद ना तो हम मिलेंगे ना ही फोन पे बात करेंगे, और हमारे बीच के रिश्ते को भी खत्म कर रही। ऐसे कैसे खत्म हो जाता? मैं प्रीति से प्यार करता था, उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन उसके लिए भानु को रास्ते से हटाना जरूरी था, इसलिए मैंने उसकी सुपारी रघु को दी। सर, एक मिनट। सर, छाया के फोन पर मनीष के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। इमीडिएटली नासिक पुलिस को कांटेक्ट करो, उनको बोलो मनीष को उठा लें। 4 महीने से तूने छाया की शक्ल तक नहीं देखी, लेकिन उसके मोबाइल पे तेरे फिंगरप्रिंट्स। कैसे? चल बोल, क्यों मारा छाया को? हाँ? सर, मैं छाया से सचमुच बहुत प्यार करता था, और उसका बड़ा भाई भानु वो हमें कभी नहीं मिलने देता। आइंदा से छाया के आसपास भी दिखाई दिया ना, तो मैं तुझे सिखाऊंगा कि हाथ उठाना किसे कहते हैं। वो तो हमारा बच्चा होते ही उसे ले जाने वाला था, पर पता नहीं फिर उसे लगा कि बच्चे को माँ की जरूरत है, इसलिए उसने 1 महीने के लिए बच्चे को छाया के पास छोड़ दिया। उस दिन जब राशि का फोन आया कि भानु की डेथ हो गई, उस दिन मैं छाया के साथ ही था। चुप हो जा बेटा, संभाल अपने आप को, और मेरी बात मान, बच्चे को हमारे पास छोड़ दिया, हम उसका ख्याल रखेंगे। क्यों? हाँ, मुझे नहीं लगता राशि अब उसे अपने पास रखेगी। उसे लेने ही आ रही थी तब एक्सीडेंट हो गया और भानु की डेथ हो गई। मेरी बात मान, तेरे आने तक हम उसका ख्याल रखेंगे। मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मेरा बेटा, मैं इसे लेकर जाऊंगी और मैं अभी मुंबई जाऊंगी। अरे सर, केलकर फैमिली चाहती थी कि बच्चा उन्हीं के पास रहे, इसलिए उन्होंने मुझे एक डील ऑफर की। अगर ये बच्चा तुम हमें दे दो तो ये सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। अरे मैं तो दे दूं, पर वो नहीं मानेगी। हम तुम्हें इतना पैसा इसलिए दे रहे कि तुम कोई प्लान बनाओ, क्या कैसे ये तुम सोचो। सर, मैं सट्टा खेलता था जिस वजह से मुझ पर बहुत सारा कर्जा हो गया था। सर, मैंने सोचा कि मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपना सारा कर्जा चुकाने के लिए, इसलिए मैं छाया को लेकर मुंबई की ओर निकला। फिर मैंने रास्ते में गाड़ी रोक दी। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? बड़ी जोर की आई, इधर हो गया। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ प्लीज, बचाओ। जिस पैसे के लिए तूने छाया की जान ली और अपने ही बच्चे को अनाथ कर दिया, वो पैसा तेरे किसी काम नहीं आएगा। क्यों पता है? क्योंकि तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। चल बोल, बच्चा कहाँ है? सर, बच्चा अभी केलकर फैमिली के पास है। दरवाजा लॉक है, दरवाजा तोड़। पूरा घर अच्छे से देखो। अच्छा, सर आइए। सर, पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद वो अब तक छाया के बच्चे और केलकर फैमिली तक नहीं पहुंच पाए हैं। उनकी तलाश अब भी जारी है। रघु को भानु के कत्ल के लिए, अंगद को भानु के कत्ल की साजिश के लिए, और मनीष को छाया के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया, और ये तीनों इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। क्राइम पेट्रोल के माध्यम से हमारी उन सभी लोगों से गुजारिश है जिनके अपने बच्चे नहीं हो पाते, कि वो समाज के झूठे दबाव में आकर गलत तरीका ना अपनाएं।
बल्कि उन मासूम बेसहारा अनाथ बच्चों की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं, जिन्हें प्यार और घर परिवार की तलाश है, जिनकी आंखों में इंतजार है किसी ऐसे का जो उन्हें अपनापन दे सके। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more crime files content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.